बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तकरीबन नवंबर तक की ईमेल्स जो हैं वो ईमेल्स तो नहीं आई, ईमेल्स तो सिर्फ आई हैं मई जून जुलाई वालों को, और उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर वाले लोग जो थे उन्होंने क्या किया कि आईएमआर सर्विसेज का पोर्टल जो है वहाँ पे ओपन किया, वहाँ पे शो हो रहा था कि पेमेंट आप कर सकते हैं, उन्होंने पेमेंट भी कर दिए, कुछ को ये भी शो हो रहा था कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, कुछ ने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए। तो अब जिनका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा वो हो गए हैं परेशान। तो देखें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं है, सबके पोर्टल ओपन नहीं हुए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके ये पोर्टल जो हैं वो ओपन नहीं हो रहे, वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो आगे आ जाता है इनवैलिड डाटा। तो आप परेशान ना हो, या ये ना सोचें कि सिर्फ आपके साथ कोई मसला है, ये सबके साथ है, और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये हो चुका है, तो इसमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और आने वाले चंद दिनों के अंदर में भी आपको ईमेल्स भी रिसीव हो जाएं और जो सिस्टम है वो अपडेट हो जाए, जिसके बाद आप पोर्टल ओपन कर सकें। तो अभी इस वक्त आपको एडवाइस यही करेंगे कि परेशान ना हो, थोड़े दिन वेट करें, देखते हैं उसमें कि क्या अपडेट आती है। हमारे पास भी कोई इस हवाले से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी जिन लोगों की हो गई है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कब की प्रोसेस था उनका और कब उन्होंने उसकी पेमेंट कर दी है और डेट उनकी जो फाइल की थी वो कौन सी है। वीडियो को शेयर करें, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें। अच्छा, तो सबसे पहली बात, क्लाइंट का कार्ड रिसीव हुआ है, वीडियो पहले देखते हैं, फिर इनकी कहानी सुनाऊंगा, स्टोरी बताऊंगा कि क्या इनका केस था, किस तरह रिसीव हुआ है, और बड़ा एक अनोखा केस है। वीडियो देखें फिर वापस आते हैं। कोर्ट केस विच तेरा काम जल्दी हो जाएगा, तेन कार्ड जल्दी मिल जाएगा, तो मैं इन्हों कोर्ट केस करवाया, तो मेरा मैक्सीमम एक महीने के जरा कार्ड भी तो अपॉइंटमेंट दोनों चीज़ा मेरे मैंने रिसीव हो गई ने, तो मैं इन्हों का बहुत मशहूर हाँ। तो ये हमारे भाई का जो केस था वो ये था कि इनके पास इनके सपा पोर्टल की ईमेल की किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है वो नहीं थी, यानी इनको पता ही नहीं था, या जाहिर सी बात है जैसे आपको पता है एजेंटों से लॉक करवाते हैं फाइल, इनको पता ही नहीं था कि इनका ईमेल क्या है। तो किया क्या, इनका कोर्ट केस किया गया, कोर्ट केस के बाद इनकी अपॉइंटमेंट ली गई, और कोर्ट केस की जाहिर सी बात है जब अपॉइंटमेंट ली जाती है तो वो नॉर्मली क्या होता है कि लॉयर के ईमेल पे रिसीव हो जाती है। तो इनके तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद थे, उसी की बेस पे यहाँ पे काम कर रहे थे, तो सारे के सारे प्रोसेस करके इनकी अपॉइंटमेंट ली गई। अपॉइंटमेंट पे ये गए, अपॉइंटमेंट पे इन्होंने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया, और उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर इनको कार्ड रिसीव हो गए। अब ये नॉर्मल वाला प्रोसेस नहीं है, जाहिर सी बात है ये कोर्ट के थ्रू था, तो इसमें कोर्ट ने एक स्पेसिफिक टाइम दिया होता है कि इतनी देर में आपने जवाब देना है, और उसी दौरान में आईएमआर ने इसको फाइनलाइज करके 15 दिन के अंदर उसको रेजिडेंस कार्ड जो है वो भेज दिया। बताने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे होते हैं कि इनके ईमेल्स जो हैं वो अपडेट नहीं हो रहे होते, एक्सेस नहीं होती, आईएमआर जाते हैं वहाँ पर भी कोई एक्सेस नहीं मिलती, तो ये भी एक तरीका कार है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेटेस्ट यूज़र अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें।